आप सभी को सरबजोत फैंसी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ राजस्थान की प्रसिद्ध लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, वो चटनी मैं नहीं, एक सुपर कूल मॉम फ्रॉम राजस्थान इसे बनाना सिखाएंगी। तो चलिए दोस्तों, उनसे मुलाकात करते हैं और चटनी बनाना सीखते हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हेलो सुमन, कैसे हो आप? हेलो फैंसी, मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं लहसुन की चटनी बना रही हूँ। ओह वाओ, सो लहसुन की चटनी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं? लहसुन की चटनी में पुदीना, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर की जगह आप अगर साबुत जो लाल मिर्च आती हैं उनको हाफ आवर के लिए पानी में भिगो के रख के उसको यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ओके, एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, कर्ड एंड गार्लिक। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं लहसुन की चटनी। उसमें क्या है, ग्राइंडर लेंगे, उसमें 10 से 15 कलियाँ लहसुन की डालूंगी। ऑलमोस्ट मैंने एक गठिया लिया है। ओके, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी, 2 स्पून 3 स्पून। ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनती है। हाँ, स्पाइसी तो बनती है, पर आप इसको पराठे के साथ में लगा के और कहीं बाहर लेके जा सकते हो। ओके, तो ये कितने दिन तक सही रहती है? 1 वीक तो फ्रिज में इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, पर आगे भी अगर मतलब चल जाती है, ये ख़राब नहीं होती है। 1 वीक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। अच्छा, मिंट ली है मैंने कुछ, पुदीने के पत्ते। हाँ, पुदीने के पत्ते। ओके, हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ओके, इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है चटनी के जैसे, तो देखते हैं अगर पानी ऐड करना पड़े तो थोड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। ओके, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा इसमें और फिर से मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये स्मूथ पेस्ट बन गया है, बहुत ही यम्मी टेस्टी चटनी है। आप इसको पराठों के साथ में खा सकते हो विद एक दही का बाउल लेके। ये बहुत ही मतलब मज़े आएंगे इसको खा के। राजस्थान में हम लोग ऐसे खाते हैं। ओके, जी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा तड़का दे दो, जैसे राई और करी लीव्स घी में डाल के और फिर इसको डाल दो, तो वो भी और अच्छा यमी टेस्ट आता है। सो दोस्तों, आप इसको चाहे तो ऐसे खा सकते हैं या आप इसका छोटा सा तड़का लगा सकते हैं राई और करी लीव्स के साथ। तो हमारी लहसुन की चटनी बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच सुमन। और दोस्तों, अगर आपको ये बेहद स्वादिष्ट और 5 मिनट से भी कम समय में बनने वाली लहसुन की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें, और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, क्योंकि मुझे हमेशा उनका इंतज़ार रहता है। आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।